हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। एंड आज का वीडियो कोई स्टडी ब्लॉग नहीं होने वाला है। बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूँ, बिकॉज यू नो इस टाइम लाइक सिंस 3-4 डेज माय हेल्थ इज ऑफ। सो यू नो आई डू नॉट फील लाइक टू मेक ब्लॉग्स एंड आई डू नॉट फील लाइक टू डू एनी थिंग इवन स्टडीज ऑल्सो। बट यू नो मैं इसको ऐसा ड्यूटी लेती हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ना है चाहे कुछ भी हो। तो एटलीस्ट अगर मान लो, अगर मैं डेली अपने नॉर्मल डेज में 7-8 आवर्स की स्टडीज़ करती थी, तो जब मेरी हेल्थ ऑफ है तो एटलीस्ट आई ट्राई टू स्टडी फॉर 4 आवर्स ऑन दैट डे व्हेन आई एम नॉट फीलिंग टू डू एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई इस टाइम मेरा क्या हो रहा है ना कि स्टडीज़ में 4-5 घंटे बस इतना ही पढ़ लेती हूँ। मुझे लगता है ठीक है यार, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड लिटरली क्या मैं आपसे कुछ अलग सा बताऊँ, क्योंकि सच में इस टाइम थोड़ा मेरी तबीयत नहीं ठीक है एंड आई गॉट अ माउथ अल्सर ऑल्सो। तो वो तो मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देता है, मैं खाना ही नहीं खा पाती हूँ। ऑल दो मैं आपसे बोल रही हूँ, बट इससे पहले मैंने यू नो मेडिसिन खाई है, तब जाके मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिली है कि हाँ अपना मतलब जो भी चीज़ें हैं कर लो, क्योंकि देखो काम भी ज़रूरी है। अभी अगर ये मैं अगर यूट्यूब पे नहीं होती, मैं कहीं जॉब कर रही होती, देन डेफिनेटली मुझे वहाँ भी जाना होता। डजेंट मैटर मुझे क्या तबीयत ख़राब थी, मुझे क्या हुआ था, राइट। तो ये मेरा काम है तो ये तो मुझे करना ही करना है। वो बहुत रेयर, मतलब आई ट्राई कि मतलब मैं ऐसे कुछ भी मिस ना करूं जैसे, बट बहुत वैसे दिन हो जाता है ना जब जैसे बिल्कुल कुछ मन नहीं करता कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मेरे को मन नहीं डालने का वीडियो एंड बिल्कुल भी मन नहीं शूट करने का, तभी मैं एब्सेंट करती हूँ। लाइक आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, यस, तो उस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बट टुडे आई एम लिटिल बिट वेल, और तो मैंने सोचा चलो स्टडी ब्लॉग नहीं डाल सकते हैं, बट कुछ ऐसा हेल्पफुल वीडियो तो हम डाल ही सकते हैं ना, जैसे कि आपको हेल्प हो जाए। लाइक आप लोगों में से बहुत लोगों को वेट होता है वीडियोज़ का, सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अगर आप लोग यू नो वेट कर रहे हो एंड ऑल्सो आप लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हो, देन आई शुड ऑल्सो गिव यू इक्वली इंपॉर्टेंस। सो दैट्स दैट। ओके, सो आज मैंने सोचा कि चलो आपके जो भी रिप्लाइज हैं उनका आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं मतलब वीडियोस तो मतलब मेरा ये होता है कि चलो उसको बनाने बनाने डालने डालना है, बट मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाईज बहुत अब रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा मैं वीडियोस के थ्रू ही बता दिया करूँगी, बिकॉज ऐसे 1-to-1 ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और देखो अब इसमें क्या है ना कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी रिविजन कैसे मैनेज करें एंड डेली का डेली पढ़ाई कैसे मैनेज करें एंड प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो अब ये सब क्वेश्चन मैं एक लाइन में तो आंसर कर नहीं सकती हूँ, राइट, कि बोल दिया यस नो नहीं। इसमें आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देना होगा ना, तो वो एक्सप्लेनेशन रिप्लाई में कितना कोई लिखेगा कितना, तो वो चीज़ ना वीडियो के थ्रू ज़्यादा बेटर लगती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि जितने भी मतलब ऐसे हुआ करेंगे कमेंट्स, तो मैं उनका वीडियोस के थ्रू भी आपको रिप्लाई कर दिया करूँगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तो सबसे पहला कमेंट है कल वाले वीडियो पे @ भूमि मिश्रा दी, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC फॉर बिगनर्स, प्लीज़ रियली नीडेड। सो डेफिनेटली आई नो नीड तो होगी, बिकॉज प्रिपेयर करना है तो दिमाग में एक नहीं 75 थॉट्स आते हैं, लाइक एन नंबर्स ऑफ थॉट्स आते हैं कि ये करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ, कितनी बुक्स पढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, लाइक 100 ऑफ थॉट्स आपके माइंड्स में से बस चलते रहेंगे जब तक कि आप स्टार्ट नहीं कर दोगे। ओके, तो फर्स्टली तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि जस्ट स्टार्ट करो, मतलब इतना मत सोचो, स्टार्ट एंड स्टार्ट विद व्हाट, विद एनसीईआरटी से स्टार्ट करो सबसे पहले, बेसिक्स एनसीईआरटी 6-12। आई रियली होप अगर आप स्टार्ट अभी करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट 2-3 साल बाद होगा, एंड अगर 1 साल बाद भी है तो भी इफ़ यू हैव टाइम, इतना तो आप समझ ही सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ो, 6-12 तक पढ़ना स्टार्ट करो। एंड यस, एक सिलेबस का अपने पास फोटोकॉपी रखो, सिलेबस का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए एंड सिलेबस को भी पढ़ते रहो मतलब डेली बेसिस पे, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डिमांड क्या है UPPCS की। ओके, एंड यस, अब एक चीज़ और बता दूँ, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि NCERT से पढ़ो, सिलेबस का डाउनलोड कर लो, सिलेबस को भी डेली रीडिंग दो, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूँ, तो अगर चैनल पे आप मेरे यू नो रेगुलर सब्सक्राइबर हो, रेगुलर मेरा वीडियोज़ देखते हो, तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे वीडियो वाले कैटेगरीज पे जाओ, लाइक वीडियो शॉर्ट्स ऐसे होता है ना, आप वीडियोस पे जाओ तो वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको मेरा एक वीडियो दिख जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर UPPCS फ्रॉम जीरो, मतलब मैंने बता रखा है पूरा A to Z। आई थिंक 15-20 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगी, बिल्कुल आप क्लियर हो जाओगे चीज़ों में कि स्टार्ट कैसे करना है, लाइक हाउ आई डिड दैट। तो आई थॉट आपको वो मैं हेल्प करेगा, तो जाकर मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में वो वीडियो देख लो, UPPCS के लिए है,
आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट है @ हर्षित मिश्रा, ये डायरी अब मैं भी ट्राई करूँगा। यस, मेरी दिवाली भी अकेले ही बीत गई एंड हमें हमारे सिस्टम में इसलिए ही तो जाना है कि हम कुछ चेंज ला पाए। डेफिनेटली हर्षित, हमें इसीलिए करना है कि हम कुछ चेंज ला पाए। एंड आपको तो पता ही है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यार, मतलब इतना, मतलब उस पोजीशन में पहुँचने के बाद, लाइक अब देखो, अब जैसे लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम एंड सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, तो आई डोंट नो वाई कि वो लोग ऐसा क्यों प्रोसेस बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज़ सही से नहीं होती है, टाइम पे नहीं होती है, रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है। 2000 अब देखो 25 आने वाला है, अभी स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स 24 का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सो आई रियली विश टू कि हम लोग जल्दी से यार, मतलब आए पोजीशन पे, हमें भी अथॉरिटी मिले एंड हम अच्छा करें। और हम अच्छा इसलिए करेंगे ना कि मतलब हमने फेस किया हुआ ये चीज़, हम सब देख रहे हैं कि हाँ ऐसी ऐसी हालत होती है एस्पिरेंट्स की, कितना कितना झेलना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। एंड तो डेफिनेटली हमें चेंज लाना है एंड उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मेहनत करते हैं, आप भी करो, मैं भी कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली हम लोग को कुछ चेंज लाना ही होगा, बिकॉज ऐसे तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एजुकेशन की वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर। तो क्या है एजुकेशन की वैल्यू, ये नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से क्या है, लक का ज़्यादा रोल है ना फिर, तो पढ़े ही ना, ऐसे एग्ज़ाम दे आए और लक अच्छा होगा, नॉर्मलाइजेशन तो वही है, निकल जाएंगे। तो और ये कुछ नहीं है, बस नॉर्मलाइजेशन से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। गैस, हमें मेहनत करनी है हर्षित, आप भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ रही हूँ, हम सब लोग को पढ़ना ही है, एजुकेशन की वैल्यू बनी रहे इसलिए हमें पढ़ना है, एक अथॉरिटी पे जाके सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट @ अतिका शाह, हाँ लास्ट टाइम कमेंट में, मतलब जब भी मैंने ऐसे 1-to-1 रिप्लाई किया था तो मैंने आपका शायद नाम गलत बोल दिया था ना, सो सॉरी फॉर दैट, बट आप समझ गए ना, दैट्स इट। एक्चुअली होता क्या है ना, ऐसे फ्लो फ्लो में पढ़ना होता है, फिर एक कमेंट नहीं है, बहुत सारे होते हैं ना, तो जैसे अतिका मतलब मैं नाम भी पहली बार सुन रही हूँ लिटरली, अभी तक मैंने मतलब अर्तिका एंड अंकिता ऐसा ऐसा सुना है, तो अतिका शाह ये आपका नाम है ना, सो या एंड आई नो शायद आप मेरा वीडियोस डेली देखते हो, थैंक यू सो मच, एंड जितने भी लोग मेरा वीडियोस डेली देखते हैं ना, थैंक यू सो मच, बिकॉज रियल लाइफ का बताऊँ ना तो मुझे 10 लोग भी ढंग से नहीं जानते, मतलब 10 लोग भी मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है इतना है, बट अगर आप लोग देख रहे हो थैंक यू सो मच। तो आपका कमेंट है दी प्लीज़ PYQ पर वीडियो बना दो, वैसे मैंने उस वीडियो में समझाया था जो 30 अक्टूबर वाला वीडियो है, आप अगर आपने देखा हो, दिवाली के बाद का वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था, तो आप आई होप वो वीडियो आपने देखा ही होगा, उसमें मैंने बता दिया था। और बार बार अधिका एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना ना, फिर बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाती है चीज़ें, बट ठीक है, अगर आपने कहा तो फिर मैं देखती हूँ, बट वैसे मैंने उसको बता दिया था कि कैसे करना चाहिए PYQs को, बहुत ही सिंपल वे में, इसको बहुत ज़्यादा हैक्टिक मत बनाओ, इसको क्या किसी भी चीज़ को हैक्टिक मत बनाओ, PYQs है, थोड़ा सा यूट्यूब पर डाल के देख लो, ठीक है, तो आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि करना कैसे चाहिए, दैट्स इट। बाकी सिंपल है, PYQs देखो, एनालिसिस करो, अच्छा ये क्वेश्चन है, उसको ऑप्शन मत छोड़ो, ऑप्शन भी देख लो, कभी कभी ना ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ऐसे एनालिसिस करना होता है। एंड अगर कोई और तरीका हो तो पता नहीं, बट मेरा ऐसे ही रहता है, मैं PYQ देखती हूँ, उस PYQs अगर बार बार रिपीटेड पूछा गया तो मैं समझ जाती हूँ वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना उसको भी देखना होता है कि हाँ मतलब इस क्वेश्चंस मतलब अगले बार क्वेश्चन टॉपिक से भी जो टॉपिक का ऑप्शंस है उससे भी बन सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट कमेंट है @ AnayaP9K, हाँ जी हम स्टूडेंट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है अनाया, आपको सब पता ही, मतलब आप सब लोग देखो अवेयर रहते हैं, सब लोग अपडेट रहते हैं किसकी क्या वैल्यू है, किसको कहाँ पे रखा जाता है, हमें सबको पता है, हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ, और जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं कि सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, बट आप देख रहे हो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस, ये जो सिस्टम है जो रेगुलेट होने वाला है, इसमें क्या है, ये तो फिर हमारे डेमोक्रेटिक राइट का वॉयलेशन हुआ ना, मतलब हम वी डोंट वॉन्ट दिस, तब भी ये चीज़ें हो रही हैं, तब भी इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, तो फिर तो ये गलत है ना, तो वैल्यू तो हमारे सच में पता नहीं है कि नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं पता है, सच बता रही हूँ, बस वैल्यू होती तो शायद मतलब जो बच्चों की बातें हैं, एस्पिरेंट्स की बातें, उसको सुना जाता। नेक्स्ट कमेंट है @ प्रिया हरवंश, हेलो सिस्टर, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ रिवीजन पे कैसे फोकस करूँ, गिव सम आइडिया। देखो रिवीजन मेरा क्या है ना, इस टाइम जैसे डेली तो नहीं हो पाता है, टू बी वेरी फ्रेंक डेली किसी का नहीं हो, शायद किसी का हो भी जाता हो, तो मेरे साथ क्या है, जैसे आप डेली अपना जो भी कर रहे हो, इस टाइम मेरा GS3 चल रहा है, एग्रीकल्चर में कर रही हूँ, तो डेली पढ़ने एग्रीकल्चर ना, फिर हफ्ता होता है मंडे टू संडे यस, तो मंडे टू फ्राइडे आप अपना जो भी वर्क है, जैसे आप जो कर रहे हो उसको करो, सैटरडे संडे को आप रखो, मतलब सैटरडे संडे को आप रिविजन करो, सैटरडे संडे को किसी भी हाल में आपको रिविजन करना ही करना है, जो आपने पूरा 5 दिन पढ़ा है ना हफ्ते में, मतलब पूरा हफ्ते जो पढ़ा है वो सैटरडे संडे रिवाइज करो, मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे सैटरडे है ना,
तो सैटरडे को मैं सुबह से लेकर दोपहर तक अपना जो आगे का काम है जैसे GS3 कर रही हूँ कर लूँगी, उसके बाद शाम से रात तक मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ रिवाइज करूँ, फिर संडे को मैं पूरा दिन रिविजन करती हूँ। तो सैटरडे संडे आप रिविजन के लिए रख सकते हो, इससे क्या होगा ना बहुत कट एंड क्लियर होगा। डेली जैसे हम रिविजन करते हैं तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, मिसमैच ही हो जाता है ना। देखो अब अभी मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी इकोनॉमिक्स कर रही हूँ GS3, उसको करने में फ्रेंड्स सुबह से रात हो जाती है। अब अगर मैं डेली बेसिस पर रिविजन करूँगी तो मैं रिविजन कब करूँगी, कब करूँगी। सो इसलिए जो सैटरडे संडे वाला है ना ये बहुत अच्छा है, आप भी इसे फॉलो करो, ईजिली हो जाएगी चीज़ें। जो 5 दिन पढ़ो सैटरडे संडे रिवाइज कर लो। सैटरडे संडे देखो रिविजन को टाइम तो हमें देना होगा, तभी चीज़ें फिर सही से हो पाएंगी। एट द रेट प्रियांशु तनुष्का आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने 100 times किया, लिटरली आई एम टेलिंग 100 times। मेरा सोशियोलॉजी है ऑप्शनल, मतलब बहुत बार मैंने बताया सोशियोलॉजी है मेरा ऑप्शनल। एंड अभी तो मेरा सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स हुआ है, अगर मैं मास्टर्स करूँगी आगे दिमाग में आ रही हैं चीज़ें कि अगर इतना टाइम एग्जाम में लगता है तो कुछ अपना स्टडी ही परस्यू कर लूँ, क्यों अपना साल बर्बाद करना। तो देखो अगर मैं मास्टर्स करूँगी तो फिर मैं सोशियोलॉजी से ही करूँगी, तो मेरा सोशियोलॉजी ही ऑप्शनल है फ्रेंड्स। ओके एट द रेट सयाना बानो दी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा, तो प्लीज़ आप कुछ बताओ, एक लाइन में बताओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, कि इसको पढ़ते टाइम आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होता है, उसे ही आप अपना ऑप्शनल बना लो। इससे ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बहुत फेवरेट हो, हर टाइम पढ़ सकती हो, वही आप अपना सब्जेक्ट बना लो ऑप्शनल का। देखो अब अगर आप स्कोरिंग देखोगे ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट थोड़ी स्कोरिंग है, बट अब अगर आपका इसमें मन ही नहीं लगता है तो क्या स्कोरिंग स्कोर करके भी क्या कर लोगे, आपका मन ही नहीं करता। तो इसलिए वो सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आपका मन लगे, इंटरेस्ट हो, एंड यस आप उसको हर टाइम पढ़ सको, वो ऑप्शनल थोड़ा इस टाइप का होता है। ओके सो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग अपना टाइम देते हो एंड अपना टाइम देते हो, वीडियोज़ देखते हो, कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ऑलवेज कीप सपोर्टिंग मी। आई होप मैंने रिप्लाई कर दिया हो। एंड यस चलो एक कमेंट और पढ़ लेती हूँ, ये मेरे रेगुलर व्यूअर है आई नो @NehaTiwari। जो रेगुलर वाले होते हैं ना, जो रेगुलर कमेंट होते हैं ना, तो वो यहाँ पे हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये रेगुलर वाले, बिकॉज डेली कमेंट्स आते हैं, डेली नाम पढ़ो तो नाम पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। और मेरे साथ ये चीज़ है कि मैं लोगों का नाम और उनका बर्थ डेट, उनका बर्थडे कब होता है पता नहीं, मेरे साथ ऐसे कि मैं कभी नहीं भूलती हूँ। एनीवेज तो चलो @NehaTiwari का कमेंट है, सिस्टर अच्छे से रहा करिए, स्टडी के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखा करिए, थैंक यू सो मच नेहा। और हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना भी ध्यान रखूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, आप ध्यान दे भी रहे हो और आप ठीक भी हो ना, फिर कभी कभी क्या होता है अचानक से आपकी तबीयत खराब हो ही जाती है, उसमें हमारा हाथ नहीं होता है, मतलब हो जाता है, बॉडी है ये, कोई रोबोट थोड़ी है कि नहीं नेहा, तो कभी कभी हो जाता है कि यार हो जाती है तबीयत खराब, और ज़रूरत सही भी है ना, हर चीज़ हमेशा आपको स्मूथ तो मिलेगी नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में मतलब आपकी हेल्थ में आपके कुछ भी कह लो चीज़ें थोड़ी सी रफ होंगी, हमेशा हर चीज़ स्मूथ तो चलती नहीं है ना। और सही है मैं ठीक ही हूँ, बट जैसे कभी कभी ना हो जाता है, अब जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ अपने साथ आपको पता है ना ढेर सारी बीमारियाँ भी लेके आती हैं, बीमारियाँ इन द सेंस ये कफ एंड कोल्ड, इवन एक बार फीवर भी आपको हो जाए आप दवा खा लोगे ठीक हो जाओगे, पर ये कफ एंड कोल्ड आपको ना महीने भर ले जाता है, मतलब बिल्कुल आपको स्ट्रेच कर देता है। खैर ठीक हो जाएगा मेरा, तो सबसे बड़ी बात तो मुझे जो अल्सर हो गया है ये मुझे नहीं ठीक हो रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, खिलाता ही नहीं तो मन क्या करेगा, कहाँ से खाऊंगी। Although I'm fine and thank you for your concern, thank you so much, and yeah please keep supporting me, यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मेहनत बहुत लग रही है फ्रेंड्स। और देखा जाए तो अभी उतना कुछ मेरा प्रोग्रेस हुआ नहीं है, यूट्यूब की बात कर रही हो, सो प्लीज़ कीप मोर सपोर्टिंग, अच्छा लगता है बिकॉज इतनी मेहनत करो फिर थोड़ा सा फल मिल जाता है तो अच्छा लगता है, बाकी तो सही है सब। एंड चलो एक कमेंट और है पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, काफ़ी दिनों बाद साइलेंट क्विक का कमेंट आया, काफ़ी दिनों बाद, आई नो ये भी वीडियोस देखते हैं बात कमेंट बदलने वाले। @SilentQueen दीदी मैं टैबलेट से स्टडी करती हूँ, 1 मंथ से बहुत सिर दर्द हो रहा है, आपको अगर इसे ठीक करने का तरीका पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। देखो मतलब जब हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम फोन से ही पढ़ना, फोन से ही चाहे टैबलेट हो गया, PC हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप कोई भी चीज़ ओवर लिमिटेड करते हो ना कि आउट ऑफ द लिमिट, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं और नेगेटिव वे में इफेक्ट करेंगी, पॉजिटिव नहीं, कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड हुआ तो फिर तो वो, इसलिए ट्राई हमेशा ये करो, पहले बता दो आपको क्या करना चाहिए। देखो ज़्यादा फोन पे मत डिपेंडेंट हो कि फोन से ही पढ़ना है, नहीं नहीं फोन पे वो चीज़ों को पढ़ो जो चीज़ें जैसे अवेलेबल नहीं है हैंड में, अदरवाइज ट्राई टू स्टडी फ्रॉम बुक्स, नोट्स कॉपीज पढ़ो, बुक्स पढ़ो, मतलब बुक से पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बुक भी फोन में डाउनलोड करके पढ़ो, ऐसा मैं तो यही कहूँगी, ऐसा मत करो, अगर आप पॉसिबल है अफोर्ड कर सकते हो तो बुक्स ले आओ, बुक से पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज फोन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहने का यही मतलब है, यही पे इफेक्ट आएगा, मेंटली आपको ही इफेक्टेड होगी, मेंटली ही आप इफेक्ट होंगे, या तो माइग्रेन हो जाएगा या तो फिर विदाउट माइग्रेन ही सिर बहुत दर्द करेगा बहुत ज़्यादा।
इवन यू वोंट बिलीव, कभी मेरे साथ भी होता था, अभी तो नहीं होता बिकॉज मैं फोन से उतना यूज़ करती हूँ जितना मुझे काम होता है। कुछ मीनिंग देख लिया गूगल पे, देख लिया कुछ वेबसाइट से नोट्स बनानी है, देख लिया नोट्स बना लिया, इतना ही रहता है। अगर हम हर टाइम चलाऊंगा तो फिर मेरा तबियत खराब हो जाए, और जैसे ही आपका ना मेंटली आपके अगर आप इल हो गए हो तो फिर बॉडी से जो फिजिकल एनर्जी है वो भी ड्रेन होने लगती है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। कहते नहीं मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सच में वो इंपॉर्टेंट है। जितनी तैयारी इंपॉर्टेंट है, जितना सिलेबस इंपॉर्टेंट है ना, उतना एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट का मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपना आप हार्ड कॉपी से चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, जैसे बुक्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रेफर करो। एंड फिर से कोई कुछ चीज़ें क्या होती है बिना पीडीएफ काम चलता है, जैसे अवेलेबल ही नहीं है वो चीज़, तो फोन से पढ़ोगे, तो ऐसी चीज़ें करो। बट ट्राई टू नो कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम फोन, एटलीस्ट फ्रॉम फोन एटलीस्ट नो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी देख लिया लेक्चर देख लिया, इतना चलता है, आप सोचो सुबह से उठे हो रात तक फोन, तो फिर नेगेटिव इफेक्ट करेगा ना, तो फिर आप इसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? 24 घंटे फोन पे ही आप अटके हुए हो, एंड आर एक्सपेक्टिंग कि आप हमेशा कूल रहोगे? नहीं नहीं, दिक्कत होगी। इससे थोड़ा सा फोन से दूर रहो। और अभी के लिए मैं आपको टिप्स बताऊँ तो अभी तो एटलीस्ट फॉर 10 डेज आप फोन से बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ फोन से, बिल्कुल भूल जाओ कि फोन भी है आपके पास, ठीक है? और ऑयलिंग करो, मतलब अपने सिर में खूब सारा तेल लगाओ, मम्मी से लगवाओ, एंड थोड़ा सा सो अच्छे से, तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होना, तो आपका सिर दर्द शांत हो, तो सही हो जाएगा। एंड झंडू बाम तो होता ही है, लाइक सबके पास होता है, तो मेरे साथ क्या होता है बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, तो यहाँ पे ऐसे अपने फोन फ्रंट पे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, झंडू बाम लगा लेती हूँ, तो वो बाम से मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, वो ठंडा ठंडा फील करवाता है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब आप ऐसे लगाओगे तो देखो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, बिकॉज अगर आपको सिर दर्द हो रहा है डेफिनेटली बहुत होती है ना, फिर कुछ मन नहीं करता, सिर दर्द करता रहता है तो थोड़ा सा बाम लगा लो, अच्छा लगेगा। ऑयलिंग करके रखो अच्छे से, कंप्लीट स्लीप साइकिल अपनी, जो भी आपका स्लीप साइकिल है 8 घंटे 10 घंटे, सो पहले आराम से, पढ़ाई होती रहेगी यार, पहले आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपना दिमाग ठीक करो, ठीक है? फोन से दूर रहो, भूल जाओ फोन, टैबलेट, व्हाट एवर यू आर यूजिंग, जस्ट कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग एटलीस्ट फॉर 10 डेज, फिर बाद में देखा जाएगा। और हाँ ठीक है, पहले खुद को ठीक करो ऐसे ही, मतलब रेस्ट करके, अनऑयलिंग करके, और जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो खा पी के, जैसे जूस वगैरह पियो, तो फ्रूट्स वगैरह खाओ, तो उससे भी सही रहता है। एंड तो ठीक हो जाना, फिर टाइम सेट कर लेना कि यहाँ मुझे लेक्चर देखना है, लाइक ये पर्टिकुलर टाइम लेक्चर क्या है, लेक्चर देखा खत्म, अब बुक पे आ जाओ, फिर लेक्चर देखा खत्म, अब बुक पे आ जाओ। ज़्यादा फोन यूज़ करोगे तो फिर दिक्कत होगी। और फिर भी मैं एक और चीज़ बताऊँ तो स्पेक्स यूज़ करो, लाइक मेरे पास हैबिट में यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आप स्पेक्स यूज़ करो, उससे सही रहता है। बिकॉज ये फोन की जो स्क्रीन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेडिएटिंग है, जो फोन की स्क्रीन होती है ना, वो मतलब बहुत पहले मुझे क्लास में सर ने समझाया, मुझे आज तक याद है, सर ने कहा था कि फोन चलाते टाइम भूख लगती है, मैंने हम लोग ने कहा था हाँ सर हाँ बहुत लगती है, सर ने कहा ये ना आपकी एनर्जी ले रहा है, जो फोन की स्क्रीन आपकी एनर्जी बहुत देता है। कभी कभी नोटिस करना, सुबह से शाम तक फोन चलाओ बहुत भूख लग जाती है, मतलब फोन चलाने में एनर्जी लगती है, इतना इस स्क्रीन का जो भी रेडिएटिंग रेज है उतनी उसकी हाई इंपैक्ट है कि आप देखो पहले चलाते चलाते आप वीक, आप बिल्कुल ऐसा फील करते पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है। सो फोन को थोड़ा सा कम यूज़ करो, एंड स्क्रीन टाइम जितना कम रखो उतना अच्छा है। ऐसी चीज़ें देखो जो आपको हेल्प करें, फालतू की चीज़ें देखनी ही जो है, राइट? बस ज़्यादा फोन चलाने का फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, आपके पास सिलेबस ही इतना बड़ा है, फोन आप कैसे यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा? ओके, सो आई होप समझ गए होगे आप, आई थिंक मैंने 5 मिनट तो आपको ही बता दिया है, तो समझ गए होगे, आई रियली होप एंड या गेट वेल सून, रेस्ट करो, सही जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ओके? चलता रहता है सब, ऐसे तो मेरे साथ भी तक भी होता है, बट स्क्रीन टाइम कम करो। चलिए फ्रेंड्स, फिर आई होप मैंने चीज़ें आपको, मैंने कल वाले कमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, एंड यस जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, यूपीएससी, यूपीपीसीएस का जितने भी है ना, सब चैनल पे वीडियोस मेरे अवेलेबल है, थोड़ा सा स्क्रॉल करो ढूंढो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में कुछ मेरे वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखो, ठीक है? और चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर से खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, वैसे स्ट्रेस होता ही है, लेना क्या है, बट फिर भी इग्नोर करो चीज़ों को, और अपनी लाइफ में खुश रहो, मेहनत करते रहो, चीज़ें होंगी, टाइम मतलब टाइम लगेगा मे भी, हो सकता है, बट मिलेंगे ज़रूर। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलती हूँ कल, हाँ बाय।